नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की ओर से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे की शनिवार से पटरी पर दौड़ेगी 80 स्पेशल ट्रेनें। और अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव। और अगली बड़ी खबर, सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में भी आई कमी। और अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल 18 सितंबर से होगी शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया 351 रुपए वाला नया वर्क फ्रॉम होम प्लान, उठा सकते हैं 100 GB डाटा का लाभ। वहीं अगली बड़ी खबर, रियलमी लेकर आ रही है एक और सस्ता स्मार्टफोन, रियलमी C17। और अगली बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत ने किया ऐलान, ऑफलाइन मोड में होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। और अगली बड़ी खबर, चीन से तनातनी के बीच नेपाल ने भारतीय सीमा के समीप बनाए 3 हेलीपैड, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकस। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रग केस में NCB की मुंबई गोवा में छापेमारी। और अगली बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए भारतीय नागरिकों को चीन ने किया रिहा। और अगली बड़ी खबर, दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। और अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने मध्य प्रदेश में आवास योजना के तहत घरों का किया उद्घाटन। और अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 19 रनों से हराया। जी हाँ दोस्तों, तमाम बड़ी खबरों की सटीक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की खबरों की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि CM अशोक गहलोत ने किया, ऑफलाइन मोड में होगी फाइनल ईयर की परीक्षा। राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है कि फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का समायोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर जानकारी दी है। CM ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, प्रदेश में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन सुप्रीम कोर्ट व UGC की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ऑफलाइन करवाया जाएगा। यह फैसला हाल ही में CM निवास हुग उच्च स्तरीय बैठक में किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रग केस में NCB की मुंबई गोवा में छापेमारी। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे एक्शन में है। ड्रग पार्लर के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी के तहत NCB ने मुंबई और गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान भारी तादाद में ड्रग के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। NCB की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए भारतीय नागरिकों को चीन ने किया रिहा। PLA द्वारा अगवा किए गए अरुणाचल प्रदेश के 5 नागरिकों को शनिवार रिहा कर दिया है। तोज सिंकम, प्रचार रिंगटल, डोटू इबिया, तनु बाकर और नागरू डीरी को PLA ने 4 सितंबर को अगवा किया था। भारतीय सेना के बयान के अनुसार सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी 5 लोगों को किब्बत में रिसीव किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं आई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM मोदी ने मध्य प्रदेश में आवास योजना के घरों का किया उद्घाटन। शनिवार को PM मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत बनाए गए 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान PM मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की और उन्हें नए घरों में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के गरीब लोगों के लिए आज का यह दिन यादगार पल है। जिन लोगों को अभी तक घर नहीं मिला है, एक दिन उनको भी घर मिलेगा, उनके भी घर के सपने पूरे होंगे। कोरोना काल में तमाम रुकावटों के बावजूद देश भर में 18 लाख नए घर बनवाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 19 रनों से हराया है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने मैनचेस्टर में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में डुगुलैंड को 19 रनों से हराया है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का दूसरा वनडे मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे की शनिवार से पटरी पर दौड़ेगी 80 स्पेशल ट्रेनें। शनिवार से भारतीय रेलवे 80 नई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है, जिसकी बुकिंग 10 सितंबर से जारी होगी। शनिवार से 40 जोड़ी ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में पटरियों पर दौड़ेगी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा और बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री नहीं दी जाएगी। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि कोरोना वायरस से जुड़े प्रोटोकॉल को पूरा किया जा सके। ये ट्रेनें पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया 351 रुपए वाला नया वर्क फ्रॉम होम प्लान। उठा सकते हैं 100 GB डाटा का लाभ। कोरोना संक्रमण के कारण अभी भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हैं और यूजर्स घर बैठकर ऑफिस का काम कर रहे हैं। घर में काम करने के दौरान यूजर्स के डाटा की अधिक खपत हो रही है और टेलीकॉम कंपनियां इसी खपत को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम प्लान बाजार में उतार चुकी हैं। ऐसे में यूजर्स को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी कि VI ने एक नया वर्क फ्रॉम होम प्रीपेड प्लान बाजार में उतारा है। आइए जानते हैं प्लान के बारे में। वोडाफोन आइडिया के नए प्लान की कीमत 351 रुपए है और इसकी जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। यह कंपनी का वर्क फ्रॉम होम प्लान है। इसके तहत यूजर्स 100 GB हाई स्पीड डाटा का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की होगी। हालांकि नए वर्क फ्रॉम होम प्लान के साथ कंपनी अभी भी 251 रुपए वाला वर्क फ्रॉम होम प्लान भी उपलब्ध करा रही है। इस प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 50 GB डाटा की सुविधा प्राप्त होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच नेपाल ने भारतीय सीमा के समीप बनाए 3 हेलीपैड। भारतीय सुरक्षा एजेंसी चौकस। भारत से लगी सीमा पर नेपाल लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। भारतीय सीमा में महज 12 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल ने 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। नेपाल के नवलपरासी जिले के नरसिंह के वार्ड नंबर 4 त्रिवेणी के आर्मी कैंप व उज्जैनी के समीप हेलीपैडों का निर्माण पूरा कर लिया है। हेलीपैड बनाने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी चौकन्ना हो गई है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB ने इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल 18 सितंबर से होगी शुरू। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने बिग सेविंग डेज सेल की घोषणा कर दी है। यह सेल 18 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस सेल में यूजर्स को मोबाइल, टैबलेट, एसेसरीज, TV और इलेक्ट्रॉनिक समेत कई अन्य प्रोडक्ट्स पर शानदार डिस्काउंट पर ऑफर्स मिलेंगे। इस सेल की खासियत यह है कि आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को केवल 1 रुपए में प्री बुकिंग कर सकते हैं। प्री बुकिंग की सुविधा 15 और 16 सितंबर को शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रियलमी लेकर आ रही है एक और सस्ता स्मार्टफोन Realme C17। रियलमी ने स्मार्टफोन मार्केट में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है और यूजर्स के बीच एक विश्वसनीय ब्रांड बनता जा रहा है। ऐसे में कंपनी किसी भी रेंज के स्मार्टफोन में पीछे नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि रियलमी आए दिन नए स्मार्टफोन बाजार में उतार रही है। अब सामने आई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रियलमी अपनी सस्ती सी सीरीज के तहत नए स्मार्टफोन को बाजार में लॉन्च करेगी। यह स्मार्टफोन Realme C17 नाम से दस्तक देगा। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने भारतीय बाजार में Realme C12 और Realme C15 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव। सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी और शेयर बाजार में करेक्शन की वजह से निवेशकों ने सेफ एसेट समझे जाने वाले सोने में निवेश किया है। इससे सोने की कीमतों में इस सप्ताह तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक इस सप्ताह 24 कैरेट सोने के मूल्य में कुल मिलाकर 423 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली। वहीं इस अवधि में चांदी की कीमत में 407 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में भी आई कमी, जाने क्या रहे भाव। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को कमी देखने को मिली। तेल विपणन कंपनियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 13 पैसे की कमी की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81.99 रुपए से घटकर 81.86 रुपए प्रति लीटर पर रह गई। शहर में डीजल का मूल्य भी 12 पैसे की कमी के साथ 72.93 रुपए प्रति लीटर पर रहा। शहर में शुक्रवार को डीजल की कीमत 73.05 रुपए प्रति लीटर पर रही। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबर अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।